गया था अभी यहाँ पे, मैं कंपनी के अंदर चला गया था। हेलो गाइस, तो हम आ गए यहाँ पे IPTS मोड और आज यहाँ पे बारिश हो रखी है मस्त करके, मौसम एकदम ठंडा हो रखा है, तो वही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। बाकी यहाँ पे है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मतलब करता नहीं, मतलब होने वाला है सिलेक्टर, तो कल बुलाया है, तो आज का मौसम इतना बढ़िया हो रखा है यहाँ पे, क्या बताएं, मौसम मज़ा आ रही है। बाकी यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो बढ़िया करके यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ भी आती जा रही है और मौसम अब बिल्कुल भी गर्मी हो रही है, एकदम ठंडा ठंडा का मौसम हो रखा है आज का। बाकी देख सकते हो आप नीचे से, बाकी थोड़ा बहुत अजीब सा फील हो रहा है पब्लिक के सामने ब्लॉगिंग करने में, तो कोई नहीं कस्टमाइज कर लेंगे। बाकी अभी का सीन वही यही होता है, बाकी अभी मॉल से बाहर आया, बाकी वहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा अलाउ नहीं था, तब होगा कि नहीं होगा, तब मैंने बना रहा था तो बोला कि वीडियो बना, तो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, बाकी वहाँ पे ट्रैफिक लगा है, तो मुझे यहाँ पे ऑटो पकड़ के सीधा सरोज चलता है सारे के लिए, तो जल्दी से मुझे ऑटो पकड़ के हेलो गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिससे गाड़ी आती जा रही है, थोड़ा भी गाड़ी हुआ तो उसको यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से पकड़े हैं सीधा ऑटो संकट जो भी रेस्टोरेंट। है ऑटो यहाँ से सीधा हमें शंकर चौक तक ले गई थी, तो यहाँ से अभी मुझे पैदल का सफ़र करना पड़ेगा, यहाँ से सीधा ऑटो स्टेशन तक, तो यहाँ से हमें भी पैदल सफ़र करना पड़ेगा, तो बने रहे वीडियो में और देखते रहिए। दोस्तों बहुत बड़ा पोपट हो गया था अभी यहाँ पे, मैं कंपनी के अंदर चला गया था, मतलब ये अंदर चला गया था मैं पार्किंग में, तो रोड ये है मतलब क्या बोलते हैं यहाँ से जा रहा था, तो मैं अंदर चला गया, तो अभी जा ही रहा, फर्स्ट टाइम आया था ना यहाँ पे, तो उस टाइम ज़्यादा याद नहीं था, तो अब थोड़ा बहुत याद हो गया है, तो वहाँ तो पैदल का सफ़र करना पड़ेगा, तो फिर से सीधे यहाँ से ऊपर है मेट्रो स्टेशन, आई मीन जहाँ पे मेट्रो चलती है, देख सकते हो पीछे से आप, तो वाला है मेट्रो वाला, तो अभी आई नहीं है मेट्रो वैसे, तो दोस्तों बात आज तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडा सा मौसम हो रखा है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, तो एकदम फर्स्ट क्लास सा मौसम हो रखा है, तो बाकी वहाँ से भी आ ही गया था मैं, तो कल बुलाया है, कल फिर से जाऊँगा, परसों से फिर ड्यूटी पे स्टार्ट, तो आज ही तक तो लगे ही रहे हैं, बाकी बने रहे ब्लॉग में और देखते रहिए लास्ट। दोस्तों अभी यहाँ से कम 33-34 मीटर का रास्ता बता रहा है, आई मीन मिनट का रास्ता बता रहा है गूगल मैप में, तो देखते हैं मैं कितनी बजे तक पहुँचते हैं, बाकी रास्ता तो मैं सही सही जा रहा हूँ, इतना मुझे पता है, तो अभी यहाँ से पकड़ना पड़ेगा फिर ऑटो पकड़ना पड़ेगा, मैंने अभी पैदल का रास्ता ही क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हाईवे है, क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, के लिए हमें अभी पैदल का रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा हमें वहाँ से ऑटो पकड़नी पड़ेगी सीधा सरोज सेंटर में। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ ऊपर, क्या बोलते हैं जो पैदल मार्ग होता है यहाँ से देख सकते हो आप, और नीचे देख सकते हो हाईवे कितनी ज़्यादा दिखती है, यहाँ से जो दिखने लगे मैंने वीडियो बना लिया है,
वहाँ पे देख सकते हो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी ना, बहुत ज़्यादा गाड़ी। इस कैमरे में सांप नहीं दिख रहा होगा, तो आपको मैंने वीडियो बना के दी थी, मतलब कंटिन्यू देखते रही ना, तो इतनी ज़्यादा व्यू लगी है ना कि आप बताए बहुत ज़्यादा व्यू लगी है, तभी ये पैदल मार्च है बढ़िया चलता है, चलते हैं फिर यहीं से सीधा। दोस्तों तो हम आ गए हैं अपने स्टेशन पे, तो यहाँ से आप देखिए 5 मिनट का रास्ता होगा घर के लिए, यहाँ से आराम से जा सकते थे, तो पहले भूल गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था, तो थोड़ा अच्छा लगा है, बाकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाईवे तो नहीं एकदम वही एक गाड़ी आती जा रही है, ये सही किया सरकार से तो आप चलते हैं सीधा घर में, मिलते हैं आपको बाय। दोस्तों यहाँ पे देखो कितना पानी पानी हो रखा है, पैर देखो कितने नीचे नीचे गिर रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा पानी पानी हो रखा है, तो ऐसे जाना पड़ रहा है अब सड़क पर, पूरे सड़क में इतना ही पानी बह रखा है, तो वही ऐसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से, चिंता करता है, देख सकते हो आप कितना गहरा पानी हो रखा है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं घर में आ गया हूँ और काफ़ी मज़ा आ गया आज के सफ़र पे, और आज मौसम इतना बढ़िया था कि क्या बताएं। तो अब जा रहे हैं हम दिन के रूम में, तो वहाँ जाएंगे थोड़ा वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको, और उसके बाद जाएंगे हम सीधा फ़ोन लाने के लिए जो कि आपको बाद में दिख जाएगा। तो आज हम लाएंगे बाइक, मतलब भाई ले, मतलब भाई अपने लिए फ़ोन ले रहे हैं, तो आपको बाद में ब्लॉग में दिख जाएगा, आई मीन ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहना। तो अभी तो मैं फाइनली घर में आ गया, वहाँ जो सीधा जाता हूँ उसका दिन के रूम, चलते हैं फिर बने रहे और देख रहे लास्ट तक। Thank you.
में, तभी थोड़ा तीसरा डोसा निकालता हूँ मैं। तो दोस्तों हमारा फाइनली फोन का काम कंप्लीट हो गया है और फोन हमने खरीद लिया है। बाकी फोन का प्राइस आपको पता ही होगा, तो फोन का प्राइस कम से कम 42,000 रुपये है, क्योंकि जो 40,000 वाला था वो एस क्या बोलते हैं सैमसंग S21, जो कि उसमें स्पेस कम था वो तो 42,000 का सही था, उसमें 256 का स्पेस था, और जो 40,000 का उसमें था 128 का स्पेस था, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया था। तो भाई ने 256 वाला स्पेस ले लिया था और 42,000 का हमारे पास वो वाला फोन पड़ा, तो काफ़ी बढ़िया हो गया। और तो भाई ने हमने ये फोन ले लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।